हेलो केबी फैमिली, कैसे हो आप सब? सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है फाइनली 10:30, और अब भी फिर से निकल रहा हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। और एक्चुअली कहाँ पर जाएंगे कुछ आता पता नहीं है। भाई को मैंने कॉल किया था सुबह ही, उन्होंने बोला कि मैं आ गया, दादी का घर आगे रुका हूँ। तो वो अभी उसका उनका दादी का घर में है, और मेरे को अभी यहाँ से जाना है। मैं नहा वहा के फाइनली रेडी हो चुका हूँ और यहाँ से निकलते हैं। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखते रहना। और एक्चुअली क्या है ना, मैं कभी भी एक्चुअली बहुत लेट हो जाता हूँ। पिछले भी दिन में भी उसने बोला था कि मैं कभी भी ना, मतलब वो इतना दूर से आके यहाँ तक पहुँच जाता है, और मैं यहीं पर रुक के यहाँ से जाने के लिए मेरे को मतलब नहीं होता है, मैं इतना लेट हो जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी वहां पर जाते हैं और थोड़ा गाली सुन देते हैं, है ना गाइस? तसल्ली आप लोग, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ आप लोग डिसलाइक करके जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर, और मुझे पता है केवी फैमिली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि मैं अभी तक जितना भी मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए ये जितना भी मैं कर रहा हूँ ना, पूरा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों से। और चलिए अभी निकलते हैं, कहाँ पर जाएंगे कुछ आता पता नहीं है, अभी तक सोचा भी नहीं। बस पहले उन के साथ मिलते हैं और फिर वहां से पता लगाएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, फिर मिलते हैं सीधा उनका दादी का घर। फाइनली गाइस आके पहुंच चुका हूँ और भाई यहाँ पर रुका हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे रोड भूल गया था एक्चुअली, मैं कहाँ से आना है क्या करना है, दोबारा फ़ोन किया, उसके बाद उसने बोला ऐसे ऐसे करके आ जाओ, दोबारा आया आ गया रोड देख के घूम के इधर इधर करके, और फाइनली भाई का गाड़ी यहाँ पर रुका हुआ है और मेरा कबरा गियर, और ये चेक करेगा इस ये आज तो कुछ नहीं बोलूंगा आज कुछ नहीं बोलूंगा बोल रहे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अभी यहाँ से सीधा निकलने का टाइम वीडियो करता हूँ, तो आप लोग तब तक के लिए वेट कीजिए और वीडियो पर बने रहिए। हेलो जी, फाइनली कैबी फैमिली मोटर ब्लॉक सेटअप में आ चुका हूँ। चलो एक्चुअली क्या है ना, मोटर ब्लॉक सेट नहीं किया था और आ ही रहा था, बस आ ही रहा था, कितना दूर होगा पता भी नहीं था। फिर भाई भाई को पूछा कितना दूर है, उसने बोला उतना होगा, तो देखते हैं कितना है। और रोड देख देख रहे हैं भाई, भयंकर है भाई साहब। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, होय 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 होय, देख रहे हो गाइस क्या रोड है, कसम से अमेजिंग। पूरा जिग जग रोड है, चलो चले नीले गगन में, चलो चले नीले गगन में। ओ भैया, और क्या भी फैमिली कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। और आप लोग ना मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरा चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोगों के लिए बहुत मतलब बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा अच्छा जगह दिखाऊं, इसीलिए घूम रहा हूँ इधर उधर इधर उधर, वीडियो वगैरह बना रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। क्यों फैमिली, क्या भी फैमिली इतना कमज़ोर हो गया है क्या? मुझे पता है आप लोग बहुत मज़ेदार हो, बस सब्सक्राइब नहीं हो रहा है मेरा चैनल को, उतना बाकी रह गया। आप लोग कर दिया करो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप लोग, मैं पक्का बोल दूं, अगर आप लोगों ने 100K करवा दिया ना तो सीधा सीधा लद्दाख का राइड, कोई
इधर उधर नहीं, सीधा लद्दाख का राइट, ठीक है गाइस? अगर आप लोग कर दिया तो आप लोगों को सीधा लद्दाख का राइट दिखाएंगे। चलो चले नीनी गगन में, रोड कितना मज़ा है ना। अभी एक्चुअली हम लोग कहाँ जाएंगे कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, और देखते हैं, जा तो रहा हूँ आप लोगों को एक अच्छा जगह दिखाने के लिए, बस कहाँ जाएंगे वही समझ में नहीं आ रहा है। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, और आज तक मैं भी नहीं गया ऐसा जगह, बस वीडियो ही बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये रोड इतना मतलब छोटा है ना, ओवरटेक करने के लिए नहीं होता है, और मैं तो नहीं करूँगा। आप लोगों को भी बोल देता हूँ, अगर कोई ऐसा छोटा रोड मिले ना और जिग-जग आप लोग बिल्कुल ओवरटेक नहीं करना। कितना डरावनी रास्ता है, देख रहे हैं ना, यहीं ऊपर यहीं नीचे। भाई साहब, अरे बकरिया, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं, अभी भाई को पूछना होगा कहाँ जाना होगा। सीधा सीधा राइट लेफ्ट, यहाँ से सीधा सीधा ना, नेविगेशन देखो कितना और दूर है। अच्छा, हमें अभी जो पहले जा रहा है ना, तुम तो पहले जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है और भी जाने हैं, और भी जाने हैं, अब भी नहीं। हाँ, तो बहुत बार जा चुका होगा। अच्छा, तुमको पता है ना? हाँ, मुझे तो पता है, बता देना, ठीक है। सलसल नीले गगन में है ना गाइस, कसम से रोड तो मजेदार है, बहुत मजेदार है। ओवरटेक करने के लिए नहीं होता है, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, ये सामने वाला इतना स्पीड आ जाएगा ना कि हालिया बदल देगा हम लोगों का। आप लोग देख रहे हो क्या मजेदार रोड है, ओ भाई साहब सामने का नज़ारा देखो भाई, क्या मज़ा आ रहा है ना, अल्टीमेट लुक है, अल्टीमेट कसम से, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। मुझे तो पता नहीं, बस बस इसी का कमी था। आप लोग नज़ारा देख रहे हो क्या लुक है भाई, कसम से मज़ा आ रहा है ना। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है कैबी फैमिली, और भी रुको और दिखाएंगे नज़ारा, तब तक आप थोड़ा रोड का मजा लीजिए। कसम से बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट, मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्या ही बोलूँ। देखो क्या रोड है, एकदम नीचे की तरफ हम लोग जा रहा हूँ, पता है? अभी भाई बोल रहा है इनका एक दोस्त है यहाँ पर, और ये जो रोड है इनका दोस्त के घर तक मतलब ऐसे ही नज़ारा है, बिल्कुल सेम ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा बोल रहे हैं, देखते हैं। और हवा जो है ना, क्या मस्त हवा आ रहा है, कसम से बहुत 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 मतलब बहुत एक्साइटेड हो चुका हूँ, और इस रोड का मज़ा लेना तो बनता है ना। यहाँ से व्यू देखो, कैबी फैमिली, क्या मज़ेदार लुक है, इतना अच्छा लुक आ रहा है ना। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए, दिल खुश कर दिया भाई, अल्टीमेट जगह कैसा है, दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को बता दूं, केरला में एक्चुअली ऐसे वीडियो लगाना मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है ऐसा हेलमेट में, तो मैं एकदम से सोचा था कि केरला वाला पुलिस है, बस गया
वो लोग केरला वाला तो नहीं था, मैंगलोर वाला ही था। तो आई होप भगवान का शुक्र है, जब तक मेरे साथ में महादेव है ना, तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, है ना। क्या भी फैमिली, हर हर महादेव। आप लोग रोड का मजा देख रहे हो, क्या लुक है भाई, अल्टीमेट लुक है, अल्टीमेट कसम से। ओए होए 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 होए। आई नजारा देखो, क्या अल्टीमेट नजारा, दिल खुश हो गया कसम से, दिल खुश, बहुत खुश। और जब भी ऐसा ताण मिलता है ना, मुझे तो रहा नहीं जाता कसम से। आई होप ओ देवा 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 देवा। हाँ नहीं कुछ भी हो, लेकिन ये कच्चा था पक्का था वो तो पता नहीं, लेकिन अभी जो है रोड कसम से अल्टीमेट, अल्टीमेट कसम से, बजरी का रोड था यहाँ रियली, उसका ही रोड था। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ इस रोड को लेके कसम से। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या जिगजैग है भाई, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। कितना आप है देखा, इसमें ज़्यादातर चलते रहेंगे ना, ये तो एकदम से मतलब लद्दाख का सीन आ रहा है भाई, पूरा लद्दाख का मज़ा आ रहा है, जितना इधर उधर हो रहा है ना, पूरा रास्ता मतलब लद्दाख का रोड में चल रहा हूँ ऐसा लग रहा है कसम से, अल्टीमेट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, बहुत एक्साइटेड मतलब क्या ही बोलो। केबी फैमिली आप लोगों को कैसा लग रहा है वो बताना, यहाँ से हमें राइट लेना है। ओह फाइनली ऑफ रोडिंग में आ चुका हूँ, ऑफ रोडिंग मिल चुका है हमें। ओहो, ये तो नहीं होना था, यही मिलना बाकी था, इतना दूर से आके यही मिलना था। और कितना दूर, यहाँ से नीचे चले, फाइनली गेट्स। ओ यो गाड़ी इधर रख दूँ, हाँ क्योंकि रोड इतना ख़राब है ना, गाड़ी पूरा गंदा हो जाएगा, सही है ना। हाँ ये भी अच्छा बात बोला तूने। फाइनली गाइस यहाँ तक आके पहुँच चुका हूँ, और एक्चुअली क्या ना, आके हमने पूजा वगैरह कर लिया, और अभी क्या है ना, इसके मतलब मंदिर के बारे में आपको ऐसे ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, अच्छे से देखिए, ये जो है आप लोगों को अंदर से नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अभी वही पूछने के लिए एक मेरा दोस्त जो है, मतलब मेरा भाई का दोस्त है, उनका घर भी जाके आया, उनको बुला के लेके आया, और मतलब इसके बारे में जो भी है, किसी लिए मतलब ये मंदिर बनाया, यहाँ पर कब बनाया, पूरा जानकारी ले लेंगे। और ये चेक करें, अब ये चेक करें, अभी फाइनली वो लोग वहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ से जाते हैं। और एक्चुअली क्या है ना, उन लोगों को ज़्यादा पूछने के लिए एक्चुअली ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग टूलू में बात करते हैं ना, तो उन लोगों को मतलब भाई को तो हिंदी वगैरह आता है, तो वो टूलू में बात करके वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। और आप लोग देखते रहो, दिखाते हैं। ये मतलब बताते जाएगा, और इसमें
हिंदी में टेन से लेट करते जाएगा, ठीक है? तो चलिए आप लोग चलिए बता सॉरी इति फन एंजा वंडा डाट को सुन देवर खाना कम में तो कम गैस में राजा ना काला दर टाइम उड़ाई ना देवर खाना कुंबला दर कुंबला दर गैस में मान दे इंकल माता वंडी मुकलू इंकल हीरिया करूं माता पंड करने थे अंत को तो डाट वंडा गैस में गैस में मान काला दर आई ना देवर लड़ी आई ना देवर खाना देवर खाना अपक डाट उठो ना वंडी टाइम उड़ा अपक माता ब्रिटिश एयर नंदु माता गवर्नमेंट माता इतना बका முஸ்லிம் ராஜ் என்னக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் இடக்கு டாலி மாட்டா அது தேசன நாசாண்டு அப்பக்க அப்பக்க கிட்ட நீக்கு கூயிலாக்கானே இண்டுண்டாட்டா சுட்டு பவுலி பண்பேன் சுட்டு பவுலி அவு ஃபுல்லு சுட்டு பவுலி டாலஜ நாசாதிக்கு காடு எதிர கோபுர மனசோ பவர்ஃபுல் டைமு ఎంత ఆడిట్టిన పంట అలక్క నాశ ఆడిట్టిన టైం ఎడు ఒక్క మాట దేవుడికి బోడైన జనం మాట శేషాది బీర్నోటారా 2008 2007 చుడుట బ్రహ్మ కళాశ ఆయన ఫుల్లు దేవసాన నవీకరణ దేవుడిన గర్భగుడి అవును మన వేళ 2007 2008 ఆ ఇసావి ఎంప్లేలు అప్ప అప్పగ బ్రహ్మ కళాశ ఆడు దేవుడికి బోడైన వ్యవస్థ మాట अब ये जो मंदिर के बारे में जो भी कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो ये बहुत साल मतलब जो राजा महाराजों के काल में तो बना है राजा रघुरंजा मंडी कुमले हाँ कुंबले का जो अरस था जय सिंह कुंबले मतलब यहाँ पे वो केरला बॉर्डर में एक जगह है हम वहाँ पे कुंबले बोलते हैं जगह का बारी फेमस वो भी है गोपाल कृष्ण देवस्था जो वहाँ का अरस था जो ये बनाया था मंदिर टेंपल बनाया था उसके बाद बहुत आक्रमणकारों ने इसको उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको आक्रमण किया इसको तहस नहस कर दिया उसके बाद फिर सारे गाँव वाले ने मिल के इसको थोड़ा थोड़ा बना के जो भगवान को पूजा करके और मंदिर का थोड़ा थोड़ा काम करके बाद में 207 और 8 में इसका पूरा जो मंदिर बना है ये मंदिर ऐसे ऐसे एक कह रहा है मतलब यहाँ का जो ये है ना ऐसे ही है मतलब इसका स्टोरी ऐसा ही है और अभी तो अच्छा है मंदिर टेंपल बहुत अच्छा है और बहुत लोग आ रहे हैं बहुत दूर से भी आ रहे हैं लोग इसका और इसका जो पूजा का जो है वो आपको YouTube में भी मिलेगा कुछ चैनल है उनके चैनल में भी है जो जो भी इस टेम्पल का नाम वर्काड़ी कावी सुब्रमण्य जो डालेगा ना उसको यहाँ का जो पूजा उस सब का वीडियो मिलेगा अच्छा है देख लीजिए एक बार अगर आपको टाइम मिला तो जरूर आप आइए ये जगह बहुत अच्छा है सारे जगह पे हरा 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 है यहाँ पे सिर्फ बारिश का मौसम में नहीं हर मौसम में ऐसा रहता है यहाँ पे आइए अभी आके एक बार यहाँ का नजारा देखिए ठीक है फाइनली गाइस आप लोगों को तो पता चल गया होगा एक्चुअली ये क्या है ना इस भाई ने एक्चुअली तुलु में बोला इनको और इसको हिंदी में आता है जितना हो सके उतना मैंने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी हिंदी अर्थ समझ में इनको एक्चुअली हिंदी मालूम होता है बट बोलने के लिए इतना क्लियरली नहीं होता है सो इसने तुलु में बोला उनको क्योंकि यहाँ का जो लोकल भाषा है ना वो तुलु है इसलिए तुलु में उनको बोला और उसको मतलब हिंदी आता है आप लोगों को तो पता ही वो मेरे साथ घूमते रहता है तो उसने अभी आप लोगों को बता दिया है ये क्या है क्या नहीं है
तो अभी चलिए आप लोगों को एक बार पूरा मतलब अंदर का तो नहीं दिखा सकता, बट अंदर का दिखाने के लिए होता है क्या मतलब ऐसे ही घूम के सिर्फ दिखाना है। अभी आप लोगों को थोड़ा अंदर का शॉर्ट आउट देंगे ठीक है, अभी जो जो बताया आप लोगों को पता चल गया होगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो, ये केरला मतलब बॉर्डर के पास होता है, अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं पक्का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, अगर आप लोग आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, तो भूलिएगा मत, अगर किसी को आना होगा तो आ जाइएगा। और अभी आप लोगों को थोड़ा यहाँ का शॉर्ट आउट देता हूँ। और ये भाई देखो ये बोल रहा है ट्रीटमेंट ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है यहाँ का जो है उसको निकाल रहे। अब लोगों को मछली दिखाई देगा, देखिए दिखा मेरे पैर के पास कितना है, देख भाग जा रहा है, हाथ लगाऊंगा वो भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा। अभी अभी आएगा। ये तालाब मतलब कब बनाया था, उसी टाइम में बनाया हुआ क्या? जब पहले बार जो मंदिर बनाया ना उसी टाइम का है, नेट मीयर माते जी। हां इसमें नहीं ना ना से इंच भाग दोष अंचिन माते इतिन हां अंचले ई नीर ट्रीटमेंट इतिल अंच देर अगले मीयर एक कार पड़ तंदर जा ना तंदर तंदर। ये तालाब जो है एक्चुअली ये मंदिर जब बनाया था उसी टाइम में ये भी बनाया हुआ था, स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। अगर स्किन का प्रॉब्लम होता है तो मतलब इससे इस पानी से धोने से अच्छा होता है ना? हाँ, इस पानी से धोने से अच्छा जो भी स्किन प्रॉब्लम या जो भी मतलब स्किन का प्रॉब्लम होता है इस पानी से धोने से आप लोगों को मतलब आशा हो अच्छा हो जाएगा। ये भगवान का आशीर्वाद है। ये कितना गड्ढा होगा ये? बहुत बहुत गहरा। और ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत मतलब बहुत गहरा है, बहुत नीचे तक है। अभी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये तुम ये स्टेप जैसा है, आप लोग देखिए बहुत है नीचे नीचे मतलब पूरा नीचे तक आप लोगों को स्टेप दिखाई देगा पूरा नहीं। और कितना मछली ऐसे ही मतलब सेम आप जो स्टेप आप लोग देख रहे हैं ना ऐसे सेम मतलब नीचे तक ऐसे ही स्टेप ही है पूरा, आप लोगों को स्टेप ही मिलेगा देखने के लिए। एक्चुअली क्या है ये पत्थर जो है इसके बारे में थोड़ा बताएगा ठीक है, आप लोग देखते रहिए। इसमें जो कुछ लिखा है इसमें मगर अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ बारिश की वजह से मतलब कुछ लिखा हुआ था पहले अभी इसमें है मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ पता है? जो बारिश है यार इसको क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा ये सब पड़ा है, मिट्टी मिट्टी लग गई मिट्टी लग गई वो अभी है इसके अंदर है, मगर ये कह रहा है कि इसमें ना ये दो पत्थरों में ये सारी मंदिर के बारे में टेम्पल के बारे में लिखा है, जो उसका हिस्ट्री है ना वो इसमें लिखा है। अब तक इसको कोई पढ़ नहीं सका, इसको अब तक कोई पढ़ नहीं सका क्योंकि उसका लैंग्वेज ऐसा है किसी को पता नहीं चलता। अच्छा। अगर इसको हम पढ़ना है तो इसको साफ करके इसके ऊपर जो प्रसाद लगाना चाहिए तब जो उसका अंदर जो होता है ना लिपि उसके बाद पढ़ सकते हैं, मगर
दिखने के बाद भी किसी को अब तक पढ़ाना ही किसी ने, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सा लैंग्वेज, सबको पता नहीं है, नहीं है। जिसको पता होगा तो वही शायद वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है ना उनको पता होगा, वो लोग उसके बारे में बता सकते। ऐसा है, बहुत पुराना है अभी। कुछ लोग कहते हैं वो मलयालम में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं वो शुद्ध तुलु लैंग्वेज जो हमारा लोकल लैंग्वेज होता है उसमें लिखा है, शुद्ध तुलु में लिखा है। अब तक किसी को पता नहीं है इसमें क्या लिखा है। ज्यादा लोगों का मानना है कि इसमें इस जो ये टेम्पल है, जो ये गांव है, उसके बारे में इसने सब कुछ लिखा है इस दो पत्थरों में है। हमें दिखाई दे रहा है हाथ में, देखो ऐसे ऐसे लाइन है। हाँ। मगर शायद हमें तो सिर्फ लाइन ही दिखाई देगा। हाँ, लाइन है और कुछ लिखा है वो पता चलता है, इसमें कुछ लिखा है शायद वीडियो में उतना अच्छा, लेकिन क्या लिखा है वो पता नहीं चलेगा हमें। हाँ, वीडियो में वो तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा हमें क्या लिखा है वो तो मतलब ऐसे ही कुछ पता चल रहा है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा है वो मालूम नहीं। मालूम नहीं, बहुत पुराना है अभी, बहुत मतलब बहुत पुराना है। फाइनली गाइस आके रूम पहुंच चुका हूँ, और अब लोगों को मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, वीडियो में नहीं दिखाया, मैंने एक नया शर्ट लिया और वहां पर एक्चुअली मैंने ट्राई भी नहीं किया था दल के कैसा है क्या है, बस सीधा उठा के ले आया। एक्चुअली क्या है ना, दोस्त का जो मतलब दोस्त है उनका एक नया दुकान खुला है, कल दुकान का ओपनिंग किया है, तो आज उसने गया, बोला कि वहाँ जाके आता हूँ, फिर उनके साथ गया मैं, फिर वहाँ से लेके आ गया, और ब्लॉग में ये सब दिखाया नहीं था। तो ये शर्ट आप लोगों को इसलिए ब्लॉग में मिल जाएगा, ठीक है, इसी ब्लॉग में नहीं अगला ब्लॉग में मिलेगा। और बहुत मतलब इतना थकान हो रहा हूँ ना मैं, बहुत इतना मतलब मेरे को अभी सुस्त लग रहा है ना, क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मतलब बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मतलब इतना परेशान हो चुका हूँ ना, गाड़ी चलाते 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 ना इतना मेरे को मतलब थकान हो रहा है ना, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड राइट सेफ।